नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 जो अभी रिसेंटली आया है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें। देखिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और अगर आपको नहीं वहाँ पर लिंक मिलता है तो आप जाइए अपने टेलीग्राम पर और वहाँ पर ऑल एग्ज़ाम 31 करके सर्च कीजिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ध्यान रखिए, ये हमारा पार्ट सेकंड है, पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट गिवन पर एन्यूम अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है। देखो, किसानों को प्रति वर्ष जो है वो 6,000 रुपया दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो है ये कौन से किसानों के लिए चलाई गई है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि ये उन किसानों के लिए चलाई गई है जिन किसानों के पास जो है 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, ये उन किसानों के लिए स्कीम चलाई गई है। तो उन किसानों को दिया जाएगा स्कीम के अंदर 6,000 रुपया। और यहाँ से एक और चीज़ याद रखिए कि ये 3 किस्तों में दिया जाता है, मतलब 2-2 हज़ार करके जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है ये अमाउंट। तो ये भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। देखो भाई, इसको आप इस तरह से याद रखो कि सरकार ने जो है अभी कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो है वो कोरोना वायरस निपटने के लिए 2,000 रुपया देने का अनाउंसमेंट किया है, तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंडर ही दिया जाएगा। मतलब पहले से ये स्कीम चलाई गई थी, कोई नई स्कीम सरकार ने नहीं चलाई है। ये 6,000 रुपया पहले से दिया जाता था, परंतु सरकार ने अभी कहा है कि आपको 2,000 रुपये की किस्त जो है हम अप्रैल महीने में डलवा देंगे। तो ये आप यहाँ से इजीली आप याद रखिएगा इस स्कीम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG इसको कहते हैं, तो ये कब आई था एग्जिस्टेंस में, ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये आपने न्यूज़ में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, ये एग्जिस्टेंस में आया था 1 जनवरी 2016 में। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर आपके पास। अभी 2016 में जो था वो केम इनटू एग्जिस्टेंस आया था, तो ये कब समाप्त हो जाएगा, ये सब हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है तभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये समाप्त हो जाएगा 31 दिसंबर 2030 को, 2030 में ये समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ से भी आपको कुछ पता होना चाहिए, यहाँ से क्या आपको पता होना चाहिए। देखो, यहाँ पर सरकार ने जो है 17 गोल सेट किए हैं, 17 गोल जो है वो सेट किए गए हैं सरकार के द्वारा। अब वो गोल कौन कौन से हैं, उन गोल्स को एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखो, ये गोल्स हैं, पहला है नो पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी को आपने ख़त्म करना है, इरेडिकेट करना है। उसके बाद है जीरो हंगर, तो हंगर को हंगर फ्री होना चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो क्लीन वाटर लोगों को मिलना चाहिए, सैनिटेशन की सुविधा होनी चाहिए, क्लीन एनर्जी की बात की गई है ना। उसके बाद बात की गई है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, इंडस्ट्री में इनोवेशन होना चाहिए, जो है इनइक्वलिटीज़ को हम रिड्यूस करेंगे, सस्टेनेबल सिटीज़ होनी चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, ये आपको PDF में मिल जाएगी। देखो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, परंतु याद जो रखना है आपको वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब लॉन्च किया गया था, कब ये समाप्त हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। और इसका एम क्या है, तो इसका एम है लीविंग नो वन बिहाइंड, ये जो है इसका एम है। तो ये एम आप याद कर लीजिए, लीविंग नो वन बिहाइंड, तो ये आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हिमाचल प्रदेश द लीड बैंक इन हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश का लीड बैंक कौन सा है। तो देखो, अगर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के लीड बैंक की, तो हिमाचल का जो लीड बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अब बैंकिंग सिस्टम के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो देखो, बैंकिंग सिस्टम का ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 2,191 बैंकिंग की ब्रांचेज हैं, इनमें से 77% ब्रांचेज जो है वो कहाँ पर हैं, 77% ब्रांचेज ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में। अब पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक जो है लीड कर रहा है 6 डिस्ट्रिक्ट में, है ना। ऐसे तो हिमाचल का लीडिंग बैंक है, परंतु 6 डिस्ट्रिक्ट में इसकी ब्रांचेज सबसे अधिक हैं। कौन कौन से, हमीरपुर हो गया, कांगड़ा हो गया, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और ऊना में। देखो, पहले तो आपको ये डिस्ट्रिक्ट याद करने हैं, ये 6 डिस्ट्रिक्ट आप याद कर लीजिए। उसके बाद रीजनल रूरल बैंक जो है वो स्पॉन्सर्ड किसी किए जाते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, ये भी याद रखना है, ये बड़े पहले स्लाइड में पूछा जा चुका है।
ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर है यूको बैंक। यूको बैंक की हैं कितनी ब्रांचेस? 4 ब्रांचेस। ये कहाँ कहाँ पर हैं? बिलासपुर में है, शिमला में है, सोलन में है, सिरमौर में है। तो ये आप याद रखिएगा यूको बैंक के बारे में। यूको बैंक जो है, यहाँ से याद रखिएगा कि यूको बैंक जो है वो एक एज अ जितने भी राज्य स्तरीय बैंक हैं उनका संयोजक है यूको बैंक, है ना, ये याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उनका जो है संयोजक है यूको बैंक, जितने भी स्टेट लेवल के बैंक हैं ये भी याद रखिएगा। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है अपना SBI। तो वो SBI जो है वो 2 डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ कहाँ पर? मेनली 2 डिस्ट्रिक्ट उसमें है, चंबा और लाहौल स्पीति। ये भी आप याद रखिएगा। तो बैंकिंग से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, याद कर लीजिए हर एक डिस्ट्रिक्ट का कौन सा बैंक है, किस डिस्ट्रिक्ट में किस बैंकिंग की कितनी डोमिनेंस है। तो ये सब आपको याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एज ग्रुप कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? तो देखो भाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जब आप बात करेंगे तो ऑप्शन सी सही आंसर है। 18 से लेकर 70 वर्ष तक के लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाया गया है। अब इस स्कीम के बारे में भी एक बार नज़र डालते हैं। देखो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है इसमें जो है वो एक एक्सीडेंटल डेथ कम स्पेशल एबिलिटी कवर दिया जाता है 2 लाख रुपए तक का। अगर देखो पार्शियली कोई डिसेबल होता है तो पार्शियली डिसेबल को जो है वो 1 लाख रुपया दिया जाएगा, अदरवाइज 2 लाख रुपया दिया जाएगा। और यहाँ पर आप याद रखिए कि इसमें 18 से लेकर 70 वर्ष तक के लोगों को इंक्लूड किया गया है। और 12 रुपीज़ पर एनम जो है इसका एज अ सब्सक्राइबर आपको देना पड़ेगा, है ना। और ये हर वर्ष रिन्यू कब होती है? ये 1 जून को रिन्यू हो जाती है ना। इसके बाद आप क्या याद रखेंगे कि बैंकों में, ये देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप याद रखिएगा एज ग्रुप कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पर एनम सब्सक्राइबर को कितना देना पड़ता है ये याद रखिए। उसके बाद कितना रुपया बीमा आपका किया जाएगा, है ना, एक्सीडेंटल के ऊपर कितना किया जाएगा, पार्शियली डिसेबल के ऊपर कितना किया जाएगा, अगर डेथ हो जाती है तो कितना किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एज ग्रुप कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगला कौन सा है? अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जब आप बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर 18 से लेकर 50 वर्ष तक के लोगों को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या कहती है स्कीम। देखो इस स्कीम में कहा गया है, इस स्कीम में जो है वो 2 लाख रुपए तक का जो है वो बीमा किया जाएगा, और एज ग्रुप बताया गया है 18 से 50 वर्ष तक का, और अब बताया गया है कि इसका पर सब्सक्राइबर पर एनम 330 रुपया जो है वो देना पड़ता है। उसके बाद वही जानकारी है कि कितने इसके सब्सक्राइबर हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए। हर एक जानकारी आपको वैसे PDF में ईजिली मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो देखो ये कितने डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किए जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। ये स्थापित किए जाएंगे 10 डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। सर किसके माध्यम से किए जाएंगे? ये यूको बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है, ये 3 बैंक जो है ये करेंगे। अच्छा, अब 10 डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल में किए जाएंगे, तो 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जिनमें नहीं किए जाएंगे? तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखो आप आइडिया भी लगा सकते हैं, किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो है ये नहीं सेटअप किए जाएंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बैंकिंग के द्वारा। ये भी आप इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ से याद रखिए। इसका एम क्या है? तो देखो एम का पता तो नाम से ही चल रहा है कि ग्रामीण युवाओं को जो है वो प्रशिक्षण देना इसका मुख्य एम है। तो इसका एम है, तो ये भी आप याद रखिए कि क्या एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोग्राम इज बींग इम्प्लीमेंटेड बाय नाबार्ड थ्रू लोकल NGOs। इनमें से कौन से जिला महिला स्वयं सहायक समूह कार्यक्रम स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? देखो अगर आप बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं? ये है मंडी और सिरमौर। हिंदी की ट्रांसलेशन पर ज़्यादा मत जाइए यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो ट्रांसलेशन थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, परंतु देखो यहाँ पर इंग्लिश में आप समझो क्वेश्चन को कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा नाबार्ड के द्वारा, और नाबार्ड किसकी सहायता इसमें लेगा? नाबार्ड इसमें लोकल NGOs की सहायता लेगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनकी सहायता लेगा,
और ये मंडी और कहाँ पर, सिरमौर में स्थापित किया जाएगा। और इसके लिए जो है सरकार के द्वारा अप्रोक्सीमेटली 29.55 करोड़ रुपए की असिस्टेंस सहायता जो है वो दी गई है नाबार्ड के द्वारा। ये आप यहाँ से याद रखिए, ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए, ये आपसे एग्जाम में पूछी भी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल GSDP कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर। कुल GSDP का कितना प्रतिशत कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों से आता है। देखो अगर आप बात करेंगे कि GSDP का कुल कितना जो है वो एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर से आता है, तो वो आता है 12.73%। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी आप याद रखिएगा सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अब यहाँ से भी आपको बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। देखो 2010-11 के एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर 89.96% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहती है, मतलब ग्रामीण एरिया में रहती है यहाँ की पॉपुलेशन। तभी तो हमारे देश प्रदेश को कृषि प्रधान देश भी बोला जाता है ना। उसके बाद एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है हिमाचल को 69%, है ना। ये मेंस में भी डाटा आपके काम आएगा, तो ये मेंस के लिए भी डाटा गैदर कर लीजिए यहाँ से, चाहे मेंस अभी आप देंगे चाहे नेक्स्ट टाइम आप देंगे, जब भी ये मेंस आप देंगे तो ये डाटा काम आएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 87.95% जो है वो टोटल लैंड होल्डिंग है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की। तो ये बड़े पहले क्वेश्चन पूछा गया था NT के एग्जाम में, है ना, इसको आप याद कर लीजिए, नायब तहसीलदार के एग्जाम में ये पूछा गया था। उसके बाद क्या याद रखेंगे आप, उसके बाद आप याद रखिए कि 11.71% जो है वो सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर्स के द्वारा होल्ड की जाती है लैंड। कहाँ कितनी, 11.71%। एक ये हो गया, उसके बाद एक डाटा बच जाता है वो है 0.34% जो है वो लार्ज फार्मर के द्वारा होल्ड की जाती है। तो इस सारा इंपॉर्टेंट डाटा आपको PDF में मिल जाएगा, आप PDF डाउनलोड कीजिए, वहाँ से नोट्स तैयार कीजिए या फिर वीडियो से नोट्स तैयार कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, चाहे वो आपका प्रीलिम्स का हो गया, कई बार डायरेक्टली मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एग्रो क्लाइमेटिकली हिमाचल प्रदेश कैन बी डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी जोन्स। देखो एग्रो क्लाइमेटिकली हिमाचल प्रदेश को कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है। देखो हिमाचल को डिवाइड किया जा सकता है लगभग 4 जोन्स में, ऑप्शन बी सही आंसर है। अब यहाँ से आपको क्या पता होना चाहिए कि वो जोन्स कौन कौन से हैं। ये जोन्स जो हैं ये हैं, पहला है सब ट्रॉपिकल सब माउंटेन एंड लो हिल जोन, पहला जोन हो गया। दूसरा जोन कौन सा है, सब टेम्परेट सब ह्यूमिड मिड हिल्स, तीसरा हो गया। तीसरा है वेट टेम्परेट हिल, फोर्थ है ड्राई टेम्परेट हिल हाई हिल्स एंड कोल्ड डेजर्ट। तो ये हो गए आपके 4 जोन्स, है ना, ये 4 जोन्स आपने याद रखने हैं, कौन कौन से जोन्स में डिवाइड किया गया है और कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश रिसीव्स एन एवरेज रेनफॉल ऑफ, हिमाचल प्रदेश में जो है वो औसत वर्षा एवरेज रेनफॉल जो है वो कितनी होती है। तो हिमाचल प्रदेश में एवरेज रेनफॉल जो होती है वो होती है 1251 मिलीमीटर, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, 1251 मिलीमीटर जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो 1251 मिलीमीटर औसत वर्षा जो है वो होती है। अब यहाँ से भी इम्पोर्टेंट जानकारी आप याद रखिए, तो हिमाचल प्रदेश में जो है एक तो हो गया कि कितनी बारिश होती है, तो इतनी बारिश हिमाचल प्रदेश में होती है, ये एवरेज रेनफॉल है। और उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक रेनफॉल होती है, कांगड़ा के बाद डिस्ट्रिक्ट चंबा, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, डिस्ट्रिक्ट मंडी का नंबर आता है। और अगर आप बात करेंगे 2019 की मानसून सीजन की, तो मानसून सीजन जो 2019 का था जून से सितंबर तक का, है ना, इसमें जो है वो बिलासपुर में सबसे अधिक बारिश जो है वो दर्ज की गई है, और नॉर्मल बारिश जो है वो दर्ज की गई है हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना में, है ना, ये नॉर्मल यहाँ पर की गई है। और वर्षा की कमी देखी गई है चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति में। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ से आप याद रखिए। और जो इसके बाद आता है, इसके बाद आता है कि हिमाचल प्रदेश में मानसून के सीजन में जो है वो सामान्य की तुलना में 10% कम वर्षा जो है वो हुई है, 10% कम वर्षा जो है वो हुई है यहाँ पर, है ना, ये भी आप याद रखिए। तो ये बेसिक सी इम्पोर्टेंट जानकारी आपने रेनफॉल के बारे में देखी, तो रेनफॉल से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी आपके लिए। तो भाई ये था हमारा बजट का सेकंड पार्ट, है ना, सेकंड पार्ट ये हमारा बजट का था। पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है
पहला पार्ट आप एक बार देख लें अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, उसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप फॉलो करें, टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। देखिए टेलीग्राम पर आप ऑल एग्ज़ाम 31 जो है वो सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हमारा लोगो वही है जो हमने यूट्यूब चैनल पर रखा है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सिमिलर लोगो है, तो लोगो के हिसाब से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी, और अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।